हैं आप सबके बीच। यहाँ पर अपना दल के नेताओं के बारे में, अपना दल के दो हिस्सों में बट जाने के बारे में आप जानते ही हैं किस प्रकार से अपना दल के नेताओं में दोनों ही सगी बहनें अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल के बीच महाभिड़ंत राजनीति में आने के बाद शुरू हुई है। अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल बीजेपी की तरफ जब बढ़ते चले गए, पल्लवी पटेल को समाजवादी पार्टी की तरफ अपना रुझान व्यक्त करते हुए देखा गया और समाजवादी पार्टी को लेकर फैसला लेना पल्लवी पटेल के लिए इतना बेहतर साबित हुआ कि समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़ते हुए अपना दल की नेता पल्लवी पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू क्षेत्र से हराकर सांसद बनने का, विधायक चुने जाने के बाद यहां पर जीत से अपनी ही बहन अनुप्रिया पटेल और अपने जीजा यानी कि आशीष पटेल को जवाब दिया। पहले तो आशीष पटेल को अपना दल का अध्यक्ष चुना गया था और इसके बाद उन्होंने ऐलान किया अपनी पत्नी को अध्यक्ष बनाने का। समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी हुई पल्लवी पटेल पहले अपना दल की जब पार्टी का हिस्सा थी, उन्होंने सोचा नहीं था कि उन्हें छोड़ना पड़ेगा अपना क्षेत्र। जी हाँ, आपको ये बता दें कि सिराथू से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराकर इस बार राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत बड़ा नाम बन चुकी है अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल। अपनी जीत को लेकर पल्लवी पटेल ने एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने ये कहा था कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन अनुप्रिया पटेल की तरफ से इस बारे में किसी भी तरह से कोई भी रिएक्शन नहीं आया। बहन की जीत में कोई भी रिएक्शन नहीं आया। उनके बारे में एक और बता दे, विवादों में अनुप्रिया पटेल और उनके पति को लेकर उनका रिश्ता तो रहा ही, अपना दल से निकाल दिया गया था अनुप्रिया पटेल और उनके पति को आशीष पटेल को। जी हाँ, किसी और नहीं बल्कि अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल की माँ कृष्णा पटेल ने फैसला लिया अपनी बेटी पल्लवी के साथ मिलकर अनुप्रिया और उनके पति आशीष को जब बाहर का रास्ता दिखाया गया, बीजेपी उनके साथ खड़ी रही। ये आपको बताना चाहेंगे कि पल्लवी पटेल जो कि लाखों के वोट हासिल कर इस बार समाजवादी पार्टी की बड़ी नेता बन चुकी है केशव प्रसाद मौर्य को हराकर, उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनकी जीत ने अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष को बहुत बड़ा झटका दिया है। जी हाँ, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बने केशव प्रसाद मौर्य, जो साल 2017 में विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद इतने बड़े अहदे को संभालते नजर आए थे, उन्होंने भी पल्लवी पटेल की जीत पर कहा, जनता के फैसले को स्वीकार करता हूँ। खैर, पल्लवी पटेल अपने पार्टी अपना दल जो कि सोने लाल उनके पिता ने शुरू की, इस पार्टी की चीफ अनुप्रिया पटेल की सगी बहन होने के बावजूद उनके साथ अपनी खुशी नहीं मनाई। साल 2009 में सोने लाल पटेल के निधन के बाद उनकी पत्नी कृष्णा पटेल ने अपनी बेटी पल्लवी के साथ अपनी पार्टी अपना दल को अलग कर दिया, दूसरी बेटी अनुप्रिया से अलग कर दिया। तो अनुप्रिया ने सोने लाल अपना दल की शुरुआत की साल 2016 में और उससे अलग हटकर कमेरावाद पार्टी जो है पल्लवी पटेल की बनी, जिसके बाद इन दोनों के बीच अच्छे रिश्ते नहीं हैं। बताया जाता है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी को छोड़ने के बाद अपर्णा अभी भी अपने परिवार को अपना परिवार कहती है, पल्लवी इससे दूरी बनाती है। जी हाँ, बीजेपी ने कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल को भी अपनी माँ और अपनी बहन से दूर कर दिया है। पल्लवी की जीत जरूर हुई समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन अभी भी समाजवादी पार्टी ने उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी और ना ही समाजवादी पार्टी की तरफ से पल्लवी पटेल के लिए कोई बड़ा फैसला अभी तक इतना ज्यादा लिया गया है जितना बड़ा उनकी जीत केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेता के खिलाफ चर्चा में रही है।